देखिए आपने हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान गर्मी ठंडी कर देंगे, विकास के नाम पे वोट मांगो, क्यों ये गर्मी ठंडी कर देंगे? ये सवाल हो चुका है आप। मैडम मैं बीजेपी के क्या नाम इनका सर गिरीश वर्मा जी से एक सवाल करना चाहता हूँ, ये कब तक इसे मुजफ्फरनगर दंगों की फसल काटते रहेंगे? ठीक है, ये सवाल हो चुका है। मैं हिंदू मुसलमान से हट के बात पूछना चाहता हूँ कि मुरादाबाद में पीतल नगरी है, पूरे विश्व में यहाँ का पीतल का उत्पाद जाता है, आप यहाँ के हालात देखिए, यहाँ कितना बड़ा रेवेन्यू हम कमा के देते हैं यहाँ के पीतल। सवाल पीतल आर्टिजन्स के लिए एक आर्टिजन्स पार्क 8 साल से डेवलप नहीं हुआ, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? गिरीश वर्मा साहब जवाब दीजिए, बहुत वैलिड सवाल है, बहुत वैलिड सवाल। पीतल नगरी एक्सपोर्ट मुरादाबाद से बहुत बड़ा होता है, उसके लिए भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत काम किया है। आज पिछली बार से कोरोना जैसी महामारी के बाद जहाँ 2 वर्ष तक आदमी पूरा खराब बैठा रहा, तब भी एक्सपोर्ट पिछली बार से ज्यादा है। मेरी कोरोना के बाद में जहाँ कोरोना पीरियड में आदमी घर से निकल नहीं पा रहा था, उसे घर पे हम भोजन की व्यवस्था करके दे रहे थे, उसके बावजूद भी एक्सपोर्ट यहाँ जिंदा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की है। यहाँ जितनी जनता मौजूद है क्योंकि सत्ता में बीजेपी है, इसलिए सवाल भी बीजेपी से ही किया जा रहा है। खान साहब मेरे साथ मौजूद है, एक मिनट बैठिए। देखिए मैं प्रिंसिपल हूँ यहाँ एफएआर डिग्री कॉलेज का, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। सवाल ये है कि रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में 7.25 लाख स्टूडेंट एडमिशन लेते थे, आज की तारीख में कुल 3.25 लाख स्टूडेंट हैं। वजह स्कॉलरशिप का न मिलना, एनएसएस खत्म होना, सारे फंडिंग खत्म होना। क्या सपा सरकार में ये आपको सारे जितने आप कह रहे थे मिल रहे थे आपको? एनएसएस का टोटल पैसा मिलता था, स्कॉलरशिप फीस रीइंबर्समेंट पूरा मिलता था। तीसरी बात मैडम, एक सारी चीज कोई भी स्टूडेंट को, मैं डिग्री कॉलेज चलाता हूँ। ठीक है मेरा अब आपने सबका सवाल सुन लिए, सबको बीजेपी से शिकायत है और जाहिर सी बात है कि जो भी पार्टी सत्ता में है शिकायत भी सत्ता से ही होगी। हसन साहब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जीत हमारी हो रही है, बंपर बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन आ रहा है, तो क्या माना जाए कि ये अखिलेश यादव की जीत है या फिर ये योगी की हार है, योगी की गलतियां हैं इसलिए आपको जीत मिल रही है? देखिए ये अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी की जीत है, जनता की जीत है, क्योंकि जनता परिवर्तन करने जा रही है 2022 के अंदर। और जो आज के चुनाव हुआ है पहले चरण का, उसमें जो वोटिंग परसेंटेज ही बता रही है कि बीजेपी का वोटर कितना हताश है, और बीजेपी कहीं से कहीं तक आने नहीं जा रही है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।